गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, इरिगेशन तक कंप्लीट किया था हमने। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, बहुत सारे इरिगेशन के सोर्सेज होते हैं। दे आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स, रिवर्स एंड कैनल्स एटसेट्रा। ये कौन कौन से हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, डैम्स, लेक्स और रिवर, यानी कुएं, नलकूप, तालाब, झील, बांध, नदियाँ आदि। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पहले टाइम में चलते थे, यानी कि परंपरागत जो भी हमारे मेथड्स थे, यानी कि पहले जो टाइम में हम यूज़ में लेते थे इरिगेशन के, वो कौन कौन से हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड लेक्स, कि कुएं से, ट्यूबवेल यानी नलकूप से और लेक से पानी निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड कैन बी टू टाइप्स, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है वो टू टाइप का होता है। वंस दैट यूज कैटल एंड ह्यूमन लेबर, एक जिसमें कैटल मतलब पशुओं की सहायता ली जाती है और ह्यूमन लेबर की आवश्यकता होती है। ह्यूमन लेबर मतलब आदमी, मतलब अपनी मेहनत से पानी को निकालता है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। दे आर चीपर, ये सस्ते होते हैं बट लेस एफिशिएंट, लेकिन कम कुशल होते हैं। दीज इंक्लूड मोट, मोट यानी पुलिस सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहट एटसेट्रा। ये कौन कौन से हैं? मोट, मोट यानी कि देखिए ये मोट सिस्टम है। मोट में क्या होता है, एक पुली लगी होती है, जैसा कि नाम में ही है पुली सिस्टम। कुएं के ऊपर क्या लगी हुई है? एक पुली लगी हुई है, ये राउंड शेप में जो लगा होता है इसको पुली बोलते हैं। इस पर एक रस्सी डालकर, रस्सी में हम क्या करते हैं, बकेट को बांध देते हैं, और बकेट को जब हम नीचे डालते हैं पानी में अंदर, तो वो पानी पानी से फिल हो जाती है। उसको बाहर निकाल कर क्या किया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, एक चेन होती है और उसके ऊपर बहुत सारी डिस्क लगी होती है। जब ये अंदर वेल के अंदर घूम, जब ये जो व्हील है ये घूमता है, तो क्या होता है, ये जो डिस्क है ये फिल हो जाती है पानी से, और जैसे ये बाहर निकलता है तो पानी क्या होता है, बाहर ज़मीन पर क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। नेक्स्ट है पंप, सॉरी ढेकली। ढेकली में क्या होता है, ढेकली में एक रस्सी होती है और रस्सी पर बहुत सारे कंटेनर्स को बांध दिया जाता है और पानी को कुएं से निकाला जाता है और खेतों में डाला जाता है। नेक्स्ट है राहट। राहट में क्या होता है, राहट में एक व्हील लगा होता है कुएं के ऊपर और उस व्हील से बहुत सारे कंटेनर अटैच होते हैं। जब ये व्हील घूमता है, ये व्हील घूमता कैसे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑक्स है, ये क्या करता है, इस जो ये डंडा लगा हुआ है इसको घुमाता है राउंड शेप में। जब ये घुमाता है तो ये व्हील भी घूमता है। इस व्हील के घूमने से क्या होता है, ये सारे जो बकेट्स हैं, कंटेनर जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ये फिल हो जाते हैं और जब ये बाहर की तरफ आते हैं तो पानी अपने आप बाहर स्प्रेड हो जाता है और इस तरीके से खेतों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड यानी कि आधुनिक मेथड जो है, जो आज के समय में यूज काम में लिए जाते हैं। मॉडर्न मेथड्स आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर, पानी को बचाने के लिए मॉडर्न मेथड बहुत ही अच्छा होता है। टू मेन इरिगेशन मेथड इन यूज टुडे आर, यानी कि आज जिन दो इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से, एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि कुएं में, कुएं के ऊपर एक मोटर लगी होती है और पाइप्स लगा होता है। अब इस पाइप से क्या होता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लगे होते हैं और इनके ऊपर क्या लगा होता है, नोजल लगी होती है जिसमें से पानी निकलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज यूज इन दोज एरिया वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे क्षेत्रों में काम में लिया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी कि पर्याप्त पानी नहीं होता। इट इज़ आल्सो यूजफुल वेयर लैंड इज अनइवन, और ये ऐसी जगह पर काम में, ऐसी जगह के लिए ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर लैंड कैसी हो, अनइवन यानी कि बराबर नहीं हो। इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स, इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, यानी कि ऐसे सीधे खड़े हुए पाइप्स होते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार खेतों में,
विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जिसमें ऊपर वाले सिरे पर क्या लगी होती है, रोटेटिंग यानी घूमने वाली नलिका लगी होती है, जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, जो क्या होती है, एक मेन पाइपलाइन होती है जो कुएं के अंदर जा रही है, इससे जॉइंट होती है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, जब पंप की सहायता से मेन पाइप में पानी जाता है, यानी कि जब प्रेशर के साथ जब पानी जाता है, तो इन ये नोजल्स क्या होती हैं, घूमने लगती है, रोटेट होने लगती है और इनमें से पानी निकलता है. It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. और ये पानी खेतों में इस तरीके से स्प्रिंकल होता है जैसे बरसात का पानी होता है. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. जो स्प्रिंकलर होते हैं ये लॉन के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशन मतलब कॉफ़ी की खेती जहाँ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होती है. नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रिप सिस्टम मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप. ड्रिप सिस्टम इज़ यूज इन दोज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. ड्रिप सिस्टम ऐसे क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है. इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल. इसमें पानी वेस्ट नहीं होता. वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप. इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉप लगी होती है, यहाँ पर फसल लगी हुई है जैसे कि, तो यहाँ पर एक पाइप लगी होती है और पाइप से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी कहाँ जाता है, सीधा रूट में जाता है और पानी वेस्ट नहीं होता इससे. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम, क्योंकि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हो रहा है, पानी डायरेक्टली रूट में जा रहा है. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज. ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं गार्डन्स में ट्रीज में पानी देने की, सबसे अच्छी टेक्निक है. इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और आपको यहाँ तक अच्छे से रीड करना है. थैंक यू.